क्या आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं जो कि इंडिया में यूजेबल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है या गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दी गई हैं? तो मैं आपको आज इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप उन वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं नॉर्मल दूसरे देश के यूजर्स की तरह। इस सर्विस का नाम है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है ये और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफसाइट, मैं हूँ अनुज सिंह। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। I'm still breathing, falling in love every evening. God bless me, even though I'm through sneezing. Tonight we taking more shots than flu season. VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। नेटवर्क यानी कि आप अपने घर में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए शेयरिंग के लिए अपने फ़ोन के लैपटॉप में, लैपटॉप से स्मार्ट टीवी में भेजने के लिए, जो आप एक लोकल या फिर होम नेटवर्क कह लीजिए उसको इस्तेमाल करते हैं, वो एक नेटवर्क होता है जो कि बाहरी इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इंटरनेट को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आपने कुछ भी करना है, वाईफाई या किसी भी आप अपने सिम कार्ड के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट को, तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट रेज करते हैं। मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट रेज करी अपने ब्राउजर के थ्रू, ये रिक्वेस्ट गई यूट्यूब के किसी सर्वर में, और वहाँ से वीडियो उठ के आपके सामने ये एक्सेस कर पा रहे हैं, आप प्ले हो रहा है वीडियो। तो यही है दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट का नेटवर्क। और इस नेटवर्क में लेकिन कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको नेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, हो सकता है वही आपके ट्रैक कर रहा हो आपको, कि आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी मिसयूज हो सकता है, और गवर्नमेंट भी आपके कुछ आपके ऊपर नज़र रख सकती है। लेकिन दोस्तों यहीं पे काम आता है हमारा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है कि आपकी लोकेशन को दिखा देता है जर्मनी की, या आप जो भी सर्वर सेलेक्ट करते हैं किसी भी कंट्री का, तो यानी कि आपकी रिक्वेस्ट रेज होती है जर्मनी के सर्वर से उस वेबसाइट पे। यानी कि अगर कोई वेबसाइट इंडिया में अगर बैन है तो, लेकिन और जर्मनी में वो वेबसाइट चलता है, तो आप जर्मनी का सर्वर सेलेक्ट कीजिए VPN में अपने, जर्मनी से आपकी रिक्वेस्ट रेज होगी और आप उस वेबसाइट को अपने फ़ोन पे इंडिया में रहते हुए एक्सेस कर सकते हैं। और ये फ़ायदेमंद है, मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, उस कंट्री में मान लीजिए चाइना में फेसबुक बैन है, इंडिया में लेकिन अवेलेबल है, मान लीजिए आप चाइना गए फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप VPN सर्विस ले लीजिए। VPN सर्विस का इस्तेमाल करके आप फेसबुक एक्सेस कर सकते हैं, आप जर्मनी या कुछ भी कोई भी सर्वर उसमें सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे मान लीजिए इंडिया सेलेक्ट कर दीजिए और अपना फेसबुक आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि VPN भी हो सकता है आपका सिक्योर ना हो सकता है VPN जो सर्वर जो सर्विस प्रोवाइड करता है VPN ही वही सिक्योर ना हो, या वहीं से आपका डाटा लीक हो रहा हो, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि फ्री की जगह आप पेड वर्जन यूज़ कीजिए। हैवी यूज़र हैं, मान लीजिए आप बहुत ट्रैवल करते हैं और आपको ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, तो आप VPN सर्विस का इस्तेमाल करके अपना कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं बिना किसी दिक्कत के। और यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नीचे अपने जरूरी कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे ऐसी कोई वीडियो मिल रहा हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।